नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तनवीर खान और आइए नजर डालते हैं अभी की कुछ खास हेडलाइंस पर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने देश में पिछले 24 घंटों के दौरान रौद्र रूप दिखाया और रिकॉर्ड 45,720 नए मामलों में से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख के पार तथा एक दिन में संक्रमण से सर्वाधिक 1,129 मरीजों की मौत से कुल मृतक संख्या 29,681 पर पहुंच गई। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने संबंधी राज्य विधानसभा अध्यक्ष का अनुरोध गुरुवार को ठुकरा दिया। न्यायालय ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट एवं उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उच्च न्यायालय का कोई भी फैसला शीर्ष अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को भारत के साथ पूर्वी एशिया से व्यापार, पर्यटन और अन्य संपर्क का प्रवेश द्वार बताया है और कहा कि पूर्वोत्तर को मजबूत बनाने से एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल खड़ा करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने गुरुवार को कहा कि राम के काम में कैसा मुहूर्त। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि उनका फोकस अपनी छवि बनाने पर है।